बच्चों चलो अब सो जाओ। के नाते हमने दत्तू की परवरिश में ऐसी कौन सी कमी रखी जो इस तरह से सजा दे रहा है हमें। याद है ना साई ने क्या कहा था, दत्तू को हमें पहले की तरह प्यार दुलार देते रहना है, फिर देखना एक दिन उसका गुस्सा हमारे प्रेम के आगे पिघल जाएगा। शाबाश उमा, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। कल चतुर्थी है, मूले शास्त्री जी का व्रत है और उन्होंने मुझे पूरा दिन धर्मशाला में रहने के लिए कहा है, और कल खेत में कटाई भी है, तो उसके लिए तुम्हें ही जाना होगा। तुम अकेली नहीं कर पाओगी तो दत्तू को अपने साथ ले जाना। दत्तू, वो आएगा मेरे साथ? क्यों नहीं आएगा? याद है एक दो साल पहले जब हम खेत पे जाते थे, वो हमारे पीछे भागते हुए आता था। बहुत बेला फुसला कर उसको वापस घर भेजते थे हम। अगर तुम कहोगी तो वो जरूर आएगा, और इसी बहाने वो तुम्हारे साथ रहेगा तो शायद तुम्हें भी उसके मन की बात जानने का मौका मिले। मैं कोशिश करूंगी। साई, हमारे परिवार पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। आप अकेले अकेले मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है साई? जरा मुझे भी तो पता चले। इस गांव में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, सबसे समझदार तुम हो केशव। तुमने दुनिया देखी है, इस संसार में ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन उनमें से सबसे अनमोल क्या है जानते हो? आशा, मालिक की इस देन के लिए मैं हर रोज उसका शुक्रिया करता हूं। इसी के दम पर हर रात की सहर होती है।
इस मौसम में सुबह सुबह कुछ गर्म खाना होता तो और भी अच्छा होता। तेरी पसंद का शीरा बनाया मैंने खास तेरे लिए। आज दत्तू का व्यवहार पहले से अच्छा लग रहा है। मेरे साथ खलिहान जाने के लिए मान जाएगा। हो सकता है इसी बहाने हमारे बीच का तनाव खत्म भी हो जाए। दत्तू, मेरे साथ खेत पर चलेगा? आज फसल की कटाई है। मतलब आप मुझसे मजदूरी कराना चाहते हैं? दत्तू, आई बाबा की मदद करने को मजदूरी नहीं कहते। मुझे समझता नहीं है क्या? बुद्धू समझा मुझे। ये लीजिए अपना शीरा। अपने मतलब से खिला रही आप? तत्तू, तुझे शीरा पसंद है इसलिए बनाया मैंने, और इससे पहले कभी नहीं खिलाया तुझे। पहले खिलाया भी होगा तो अपने मतलब से। पहले मैं नादान था इसलिए समझ नहीं पाया, लेकिन अब सब समझ आ रहा है मुझे। तुझे जो समझना है समझ, क्योंकि अब तो बदल गया है। पर मैं अब भी तेरी वही आई हूँ जो पहले भी तुझे प्यार करती थी, अब भी करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। मुझे पता है तो गुस्सा है। अब मैं तुझे अपने हाथों से खिलाती हूँ। कहाँ ना, नहीं खाना मुझे। उसे ये महसूस होने दो कि वो चाहे जो भी करे, उसके लिए उसके आई बाबा का प्रेम कभी कम नहीं होगा। दत्तू, तू मुझे समझ नहीं रहा है। खूब समझ रहा हूं मैं आपको भी। आजकल घर में ज्यादातर वही बनता है जो हरी को पसंद है। मुझे तीखा पसंद है और हरी वो खा नहीं पाता, तो आप तीखा बनाते ही नहीं। जब तू छोटा था और तीखा नहीं खा पाता था, मैं तब भी नहीं बनाती थी। और तू ये सब क्यों बोल रहा है? क्योंकि मैं नहीं सह सकता हूँ। आपको हरी की गलती दिखती नहीं है। आप हर चीज के लिए मुझे दोषी ठहराती है। उस दिन भी जब वो काका हरी को बिना गलती के डांट रहे थे, इसलिए मैं उन्हें सबक सिखाना चाहता था। मैं बड़े भाई होने का फर्ज निभा रहा था, फिर भी डांट मुझे ही पड़ी। आप दोनों को हमेशा मेरी गलती दिखती है और हमेशा बुरा भी मैं ही बनता हूँ। बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था कि तू गलत है। मैं तो चाहती हूँ कि कोई तुझे आंख उठाकर भी ना देखे। मैं सबसे ज्यादा तुझे ही चाहती हूँ। पहली बार माँ बनने का सुख मुझे तुझसे ही मिला। मैं तेरा भला चाहती हूँ और जो भी बोलती हूँ तेरे भले के लिए बोलती हूँ। ना तब मेरा कोई मतलब था, ना शीरे के पीछे है। तो मेरी मदद ना भी करे तभी ये शीरा तेरे लिए ही है।
मैं तो तुझसे मदद के लिए इसलिए बोल रही थी क्योंकि आज मुझे तेरी मदद की जरूरत है और मुझे लगा इसी बहाने तेरे साथ थोड़ा समय बिताने को मिल जाएगा और कुछ नहीं। कि मेरी मदद क्यों? हरी की क्यों नहीं? हरी अभी छोटा है, उससे वो काम नहीं हो पाएगा जो तू कर सकता है। और अगर तू वाह, यही पक्षपात है, हर बात पे उसका पक्ष कि वो छोटा है छोटा है। लेकिन असली वजह तो कुछ और ही है ना, वो क्यों नहीं कहती आप? कब तक झूठ बोलती रहेंगी मुझसे? सच क्यों नहीं कह देती? झूठ? कौन सा झूठ बोला है मैंने तुझसे? सच भी तो नहीं बोला आपने। बेटा, आई बाबा से बच्चों का कुछ छुपाना अच्छी बात नहीं होती। और अगर आई बाबा ही बच्चों से कुछ छुपाए तो? ये तू क्या बोल रहा है? आखिर ऐसा क्या छुपाया है तुझसे? वही बात जिसकी वजह से आप मुझसे काम करवाना चाहती है और हरी से नहीं। हरी छोटा इसलिए उससे काम नहीं करवा रही, या फिर वो आपका अपना है इसलिए? आपने तो मुझसे ये भी छुपाया कि मैं आपकी अपनी औलाद नहीं हूं, गोद लिया है मुझे। बोलिए, बताया कभी? आप कहती है कि आप झूठ नहीं बोलती, फिर आपकी कहीं भी किसी भी बात पर मैं कैसे विश्वास कर लूं? लोग को लगता है कि मैं बोझ हूं आप पर, और आप लोग को यह भी लगता है कि अगर मैं आपकी जिंदगी में ना होता तो आपकी जिंदगी खुशहाल होती। जब से हरी पैदा हुआ है आप दोनों मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो। ये खबर सुनकर सरकार बहुत खुश होंगे। दत्तू, मैंने तुझे पहले भी कहा है और मैं फिर कह रही हूँ, हरी से ज्यादा मैंने तुझसे प्यार किया है। वो तो बाद में पैदा हुआ, पहले तो मेरे जीवन में तू आया था, और ये बात सच है। ऐसा विचार मेरे दिल में कभी नहीं आया जैसा तू सोच रहा है। एक और झूठ। मैं हरी जैसा बच्चा नहीं हूँ जो ना समझू। कब से देखते यार, चाहे गलती किसी की भी हो, हरी की किसी और की, आप दोष हमेशा मुझे ही देती है। रही प्यार की बात, हरी के पैदा होने के बाद से आप दोनों ने मेरे साथ सौतेला व्यवहार किया है। मूर्ख था मैं जो पहले समझ नहीं पाया, लेकिन अब मुझे सब समझ आता है। आप लोग मेरे कोई नहीं। बकवास, तू हमारे परिवार का उतना ही हिस्सा है जितना मैं हूं। तू चाहे कितना ही गुस्सा कर ले, कितनी नफरत कर ले, पर ये साथ कभी नहीं बदलने वाला। और ये सारी बातें तुझे किसने बताई? हां बोल, किसने बताई? चुप क्यों कर रहा है? बोल। लता रानी ने। उन दोनों को संतान नहीं हो रही थी, उस समय हमने तुझे गोद लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। अगर उन लोगों ने थोड़ा और इंतजार किया होता तो उनके जीवन में सिर्फ हरी होता। पता नहीं किसका खून है तू जो ऐसे रंग दिखा रहा है। नानी ने ये भी कहा कि आप लोग पछता रहे मुझ जैसे अनाथ को गोद लेके। तू ये सब झूठ है, तुझे मैंने अपने सगे बच्चे से भी ज्यादा प्यार किया है, सबसे ज्यादा तेरी फिक्र की है,
और तू मेरे ही नहीं अपने बाबा का भी लाडला है और तूने ये सोचा भी कैसे कि तुम पर बोझ है। मैं आपकी चिकनी चुपड़ी बातों के जाल में नहीं फंसने वाला। मैंने जो देखा और समझा है वो झूठ नहीं है। आप जो कह रही है वो झूठ है। आप मुझसे प्यार नहीं करती। मुझे तो लगता है आप लोगों ने तरस खाकर मजबूरी में मुझे अपने साथ रखा है लोगों के डर से कि लोग क्या कहेंगे। आप रहिए हरी के साथ, ने सगी बेटी के साथ। ना मैं आपकी औलाद हूं ना ही आप मेरी असली माँ। नहीं रहना मुझे इस नर्क में। मैं छोड़ के जा रहा हूं आपको, आपके इस घर को और आपकी दुनिया से दूर। कभी वापस नहीं आऊंगा, कभी नहीं। अरे उन्हें तो आने में देर होगी, इनकी मौसी का घर यहीं पास में ही है, उन्हें जाकर खबर कर दो। लता मौसी, साई ये काम अधूरा छोड़ के कहाँ जा रहे हो? कोई मुसीबत में है क्या? हाँ परी, इससे पहले कि वो अनर्थ कर दे मुझे रोकना है उसे। हरिओम हरिओम। अब वो फकीर रोक के दिखाए शास्त्री जी का कहां सच हुआ और वो फकीर हाथ मलता रह गया। संता, अब समय आ गया है उस पाखंडी को उसकी असली जगह दिखाने का और गांव वालों को उसकी सच्चाई बताने का। जाओ गांव वालों को उनके घरों से लेकर आओ और सुन, शास्त्री जी को भी लेकर आना खंडहर। जाओ। जो आ गया सरकार। हरिओम हरिओम। क्या हुआ तुझे? क्यों किया आपने ऐसा? किसने हक दिया आपको मुझसे मेरे बेटे को छीनने का? ये तू क्या कह रही उमा? मैंने तेरे बेटे को छीन लिया? हाँ, आपने छीना है मेरे दत्तू को मुझसे। दत्तू को? लो पकड़ो जरा इसे। घर छोड़कर चला गया है वो।
हे भगवान, लेकिन क्यों? क्योंकि उसे पता चल गया कि हमने उसे गोद लिया था। जब आप सारे गांव वालों के सामने उसे ये बता रही थी कि वो अनाथ है, हमें मंदिर के बाहर से मिला था। जो बातें आपने उसको नमक मिर्च लगाकर बताई, वो बेचारा उन बातों को सच मान बैठा और सोचता है कि हम उसे नहीं चाहते, वो हम पर बोझ है। मौसी, भले ही दत्तू को मैंने अपनी कोख से जन्म ना दिया हो, पर पहली बार मां बनने का सुख मुझे उससे मिला है, क्योंकि पहली बार वो ही था जिसने मुझे आई कहा था। लेकिन आपकी झूठ की वजह से वो सोचता है कि हम उससे प्यार नहीं करते, उसके रहते हमारी जिंदगी नरक है, और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आपने मेरे बेटे को मुझसे छीना है। उमा, मेरा यकीन कर, उस समय मैं बहुत गुस्से में थी, वो मेरे लड्डू लेकर भाग गया था। भागा तो आपने दिया है उसे, मेरे घर से, मेरी जिंदगी से। लेकिन अगर भगवान के घर इंसाफ है, तो आज जो मेरे बेटे के साथ हुआ है, वो एक दिन आपकी पोती के साथ भी। की हाय में दुनिया को बर्बाद करने की ताकत होती है। क्रोध में आके कुछ ऐसा मत कहो जिससे भविष्य में तुम्हें पछताना पड़े। और याद करो, तुम्हारी लता मौसी से जो अपराध हुआ है, उस समय ये भी गुस्से में थी, उसका परिणाम देख रही हो ना तुम। माँ तो माँ होती है उमा, उसकी तकलीफ, उसकी पीड़ा दूसरी माँ से अलग कैसे हो सकती है? उमा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे बेटी। मेरा दत्तू पता नहीं कहाँ चला गया है, कह रहा था कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगा, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए, मुझे मेरा दत्तू वापस चाहिए, आप उसे वापस ला दीजिए साई, वरना मैं उसके बिना मर जाऊंगी। सब ठीक हो जाएगा उमा। मन में साई श्रद्धा, सबूरी कौन जान पाए।